नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर युवा शेतकरी संगठन मोहगांव हवेली द्वारा आयोजित दो दिवसीय भविशंकर पट संपन्न हुआ, जिसमें युवराज पटेल हरदा मध्य प्रदेश की बेल जोड़ी ने प्रथम पुरस्कार, आतिश वर्मा वाशिम महाराष्ट्र को द्वितीय पुरस्कार के साथ साथ कुल 22 बेल जोड़ी कृषकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस शंकर पट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों की 139 बेल जोड़ियां सम्मिलित हुई। दर्शकों में हजारों किसानों की उपस्थिति थी। शंकर पट आयोजन समिति के मनोज कलंबे ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए मध्य प्रदेश हरदा जिले के युवराज पटेल को, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए महाराष्ट्र के वाशिम जिले के आतिश वर्मा को, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अमीन खा पठान को तथा अंतिम 22वां पुरस्कार 4100 रुपए ईश्वरीजीत डोबले महिमापुर को दिया गया। चतुर्थ से 21वें पुरस्कार जीतने वाले किसानों में क्रमश KGN अनावा जालना, वेजू पवार चिचोली, बाबा चौधरी शाहपुर, सलीम मिस्त्री जालना, डॉक्टर भक्ते सीतापार, पृथ्वीराज चौहान आदि लोग मौजूद थे। मैं हरदा जिला से रामेश्वर पटेल भवनकोड़ी बेल जोड़ से हर समय आता हूँ। ये बहुत अच्छा खेल हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छी इनाम वितरण हो रहा है, बहुत शांति से और ये होता रहना चाहिए ऐसा कार्यक्रम। तूफान और मास्या है बेल जोड़, हमारा नाम बेलों का आयोजक गणेश मेहकर का मोगा हवेली से, और ये पट हर साल होता है और सभी जनवरी के अवसर पर होता है। यहाँ के MP महाराष्ट्र के पब्लिक बहुत आती है और हर साल होता रहेगा। कितने दिन का होता है पट? ये दो दिन का होता है, 25-26। ये पानी आने के कारण एक तारीख बढ़ा है, 26-27 किया है। मैं प्रभारी पशु चिकित्सालय मोहगांव में पदस्थ हूँ। रमेश पिता मानिक राव हाथे विगत 7 साल से ये मोहगांव पट का नियोजन हेतु काम कर रहा हूँ। यहाँ जो भी आदमी या बैलों को कोई जख्म होती है तो उसका उपचार किया जाता है। यहाँ का जो संचालक मंडल है बहुत सहयोग करता है हम लोगों को। बराबर दो दिन पहले इन पट के संबंध में, पट आयोजन के संबंध में हमको जानकारी देते हैं और उसी के नियमित 25 और 26 तारीख को, जो ये 25 और 26 तारीख को होने वाला पट है, इसमें हम लोग हमेशा विगत 7 साल से सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी युवा शेतकरी संगठन द्वारा भव्य पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के युवराज पटेल हरदा जिले के और द्वितीय पुरस्कार आतिश वर्मा वाशिम जिले से महाराष्ट्र और तीसरा पुरस्कार अमित शाह खान अमरावती जिले से इनने प्राप्त किया और इसका बहुत ही भव्य रूप में आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के युवा और शेतकरियों ने बहुत सा सहयोग करके इस कार्यक्रम में सफल आयोजन में भागीदारी निभाई। इस पट प्रतियोगिता में कितनी जोड़ियां सम्मिलित हुई? इस पट प्रतियोगिता में 135-140 जोड़ियां सम्मिलित हुई थी। छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।